पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड बेदी पैलेस के पास सड़क पर खड़े डंपर में बस ने मारी टक्कर। टक्कर लगने से दर्जनों सवारियां घायल, घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया। बस में लगभग 60 सवारियां होने की जानकारी। हर रोज कुरुक्षेत्र की तरफ से पिहोवा की तरफ ओवरलोड डंपर रेता बजरी से भरे हुए आते हैं, बीच रास्ते में ही खराब हो जाते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यहाँ पर एक्सीडेंट में कितने पेशेंट आए और क्या हालात थे, उनके क्या थे? अभी हमारे पास 3 पेशेंट पहुंचे हैं, जिसमें से 2 पेशेंट्स को हेड इंजरी है और 1 पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और 2 जो तीनों पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। इसमें सीरियस कितने हैं पेशेंट? 1 पेशेंट जिसको हेड इंजरी हो सकती है वो सीरियस हो सकता है, बाकी 2 आपको सब ठीक है। इसके अलावा और भी पेशेंट आपके पास पहुँचे हैं? मेरे पास तो अभी ये 3 पेशेंट ही हैं, बाकी मुझे मालूम नहीं। सर, ये बताइए सारी घटना क्या हुई है? ये डंपर खड़ा था, ये सुबह बताया जा रहा है अभी 5 बजे का इसका डंपर टायर ब्लास्ट हो गया था, इसलिए खड़ा था। ये रोडवेज की बस आ रही थी, ये खड़े का जो है टकरा गई है, बाकी सवारी का चोट लगी है। एम्बुलेंस का इंतजाम करके सभी को फर्स्ट एड के लिए पहुंचवा दिया गया। पुलिस समय से पहुंच गई थी? हाँ, समय पर तुरंत पुलिस ने ये जो है एम्बुलेंस वगैरह में जो है इसको बुला कर गाड़ियों में इंतजाम करके जो इसको फर्स्ट एड के लिए पहुंचवाया मौके पर। अभी तक पता चला है कितने लोगों को चोट लगी है? अब अभी को कम से कम 10-15 लोगों को चोट है, बाकी तकरीबन ठीक है लोग। और इमरजेंसी भी है कोई ज्यादा नहीं? अब एक दो की इमरजेंसी है, इतना वो नहीं है, बचाव है सर, बचाव हो गया। या ये पिहोवा भेजे हैं सारे पेशेंट? हाँ, पिहोवा के लिए हम फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले पिहोवा भेज दिया, नजदीक का पिहोवा ही पड़ता था, इसलिए सबसे पहले पिहोवा ही भेज दिया गया।